Hello students, welcome in RCI Education of Online Class. Dear students, अब तक जितने अपने टॉपिक क्लियर किए हैं उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आज अपन करेंगे. जो आपके टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन की अपन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे. वो सारे आंसर आपको मैंने सीट में भी दे रखे हैं, बट वो कैसे आए वो प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मैं सोल्व करके आपको दे रहा हूँ. ध्यान से समझिएगा. क्वेश्चन नंबर वन है आपका, कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग. कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग. आपको अगर थोड़ा रिमाइंड हो तो मैंने आपको रूल लिखवाए थे नोट्स में कि इस तरह से अपन गिवन जो क्वांटिटीज होती है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए, फर्स्ट आपका है 1.00 × 10⁶. 1.00 × 10⁶. अब इसमें आपका जो जीरो है, जीरो के लिए बता दूं मैं आपको, जीरो कहाँ है आपका, आफ्टर डेसिमल है. तो ये ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है आपका, इंक्लूड होगा. उसके बाद दे रखा है आपका 10⁶, जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है. तो एक्सपोनेंशियल जो पावर होती है वो आपकी इंक्लूड नहीं होती है. तो इसमें आपके टोटल क्या होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. क्या होंगे बेटा, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. क्लियर, ये बात क्लियर होगी. अब आपकी सेकेंड वैल्यू है 0.0050. 0.0050. तो इसमें देखो आप, जीरो का जो सेटलमेंट है वो आपका डेसिमल से बिफोर है, बट आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो आपके नॉन जीरो डिजिट है, उससे पहले वाली जीरो कभी भी किस में नहीं आती, सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती. बट अगर आपकी नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद अगर जीरो है तो वो आपकी ऑलवेज ऑलवेज क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर. तो यहाँ पर टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. नेक्स्ट देखिए 1.234. क्या दे रखा है बेटा, 1.234. इस कंडीशन में आपको चारों क्या होगी, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी. चारों क्या होगी बेटा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर. टोटल कितनी हो जाएगी अपने पास में, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी. टोटल कितनी हो जाएगी, 4. अब आप देखिए 0.0006 कितना है आपका, 0.0006. तो यहाँ पर ओनली नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली जीरो, चाहे वो डेसिमल के साथ हो, इंक्लूड नहीं होती है. तो यहाँ पर ओनली 1 क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर ही होगी. नेक्स्ट देखिए आपका 0.386. क्या दे रखा है बेटा, 0.386. तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नॉन जीरो डिजिट है, तो ये टोटल क्या हो जाएगी आपकी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी. क्या हो जाएगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर. इस तरह से अपन यहाँ पर अपने रूल को अप्लाई करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर को अपन ने क्या किया है, फाइंड आउट किया है. आई होप ये सारे एग्जांपल आपको रूल को समझ के सॉल्व हो जाएंगे. फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में इसको क्लियर कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, राउंड ऑफ इसकी बात कर रहे हैं अपन. आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, बट उसमें क्या जोड़ दिया इसने, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. जो भी आपकी क्वांटिटीज दे रखी है उसको अपन को 3 फिगर में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. तो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन ऐड कर रखा है, एक तो राउंड ऑफ करना भी है, बट कहां तक करना है इसको, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है. कहां तक करना है बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक. समझिए, राउंड ऑफ करने की आपकी जो रूल है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपकी लास्ट फिगर क्या होता, लास्ट फिगर आपके अगर मोर देन 5 है तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा. नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 इंक्रीज. और लास्ट डिजिट आपके अगर लेस देन 5 है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ये बात क्लियर है सबकी. और अगर 5 है, क्या बेटा, अगर लास्ट डिजिट आपकी 5 है, उस कंडीशन में अपन को उससे पहले वाले डिजिट, उससे बिफोर डिजिट इवन है या ओड है, इवन है या ओड है, ओड है फिर गिर जाएगा, और इवन है तो आपका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. ये सारे रूल अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे जब अपन ने राउंड ऑफ वाला टॉपिक डिस्कस किया था.
अब अपने स्टार्ट करते हैं इनको राउंड ऑफ करना, कहां तक करना है आपको, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पर, कहां तक करना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर पर। देखिए बेटा सबसे पहले अपन को इन दोनों को राउंड ऑफ करना है, तो देखिए अपने पास क्या है, लास्ट डिजिट सिक्स है, तो देखो क्या आएगा अपने पास में थ्री फोर पॉइंट टू टू, क्योंकि सिक्स आपकी क्या है मोर देन फाइव है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी मतलब 16 आपका 20 की तरफ मूव होगा, तो अपने पास में जो वन है वो क्या हो जाएगा टू में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पास वैल्यू क्या है थ्री फोर पॉइंट टू टू। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आपके फोर है, कितने में कन्वर्ट करना है आपको थ्री में करवाना है, तो अब इसको भी आपको करना है कन्वर्ट करना है। लास्ट डिजिट क्या है आपकी लेस देन फाइव है, क्या बेटा लास्ट डिजिट लेस देन फाइव, उस कंडीशन में क्या होता है कोई चेंज नहीं होता है, तो अपने पास लास्ट आंसर जाएगा थ्री फोर पॉइंट टू, ये अपना कंप्लीट आंसर होगा इसका, इस वाली डिजिट का। क्लियर? तो यहां पर अपन ने राउंड ऑफ रूल को यूज करते हुए इसको अपन ने क्या कर दिया थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास लास्ट डिजिट क्या है मोर देन फाइव, तो ये क्या हो जाएगी आपकी वन इंक्रीज हो जाएगी, अपने पास सबसे पहले आएगा 10.417, ये बात क्लियर है आपकी 10.417 क्लियर। अब अभी आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने टोटल फाइव है, क्लियर है मामला, तो यहां पर आप लोग कहां तक जाना है थ्री तक जाना है, तो ये फोर आगे होगी। देखिए अब इसकी बात करते हैं, अब जो लास्ट डिजिट है वापस क्या आएगी सेवन, तो अपने इंक्रीज करना है 10.42 होगा या नहीं होगा, क्लियर है। अब भी अपने पास क्या है ध्यान से देखिए टोटल डिजिट कितनी है फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, अपन को कहां तक ले जाना है थ्री पर, कहां ले जाना है थ्री पर, तो यहां पर अपने पास अब फोर टू को अपन क्या करना है राउंड ऑफ करना है, लास्ट डिजिट क्या है लेस देन फाइव है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो अपने पास लास्ट जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा 10.4 कंप्लीट आंसर आपका होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा 0.04587 0.04587, अब आप देखिए बेटा ध्यान से इसमें पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आपके फोर ही है, कितने आपके फोर ही है, उस कंडीशन में आपके फोर है तो इसको ओनली थ्री में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए 87 में आपका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है आपका सेवन है, मोर देन फाइव है लेस देन फाइव है मोर देन फाइव, तो इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे अपन 0.0459 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे आपके थ्री होंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 2868 कितना है बेटा 2868, इसमें आपके पास में लार्ज क्या है एट है मोर देन फाइव है, तो इसमें क्या हो जाएगा इंक्रीज जाएगा मिलेगा 287, ये आपको फाइनल आंसर होगा। इस तरह से अपन राउंड ऑफ कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक कर सकते हैं इसमें अपन ने एक्सप्लेन किया, और इसमें डायरेक्ट अपन ने क्या फाइंड आउट किया सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अलावा मैंने सीट में आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करना, और ये जो आपका पार्ट है मैं आपको बता दूं ये आपका फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट का एक तरह से अगर अपन बात करें फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट था जो कंप्लीट हो चुका है, इसका सेकेंड पार्ट अपन या तो ऑफलाइन क्लास में या बाद में इसको अपन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास आपकी आएगी वो आएगी आपकी बेसिक, जो अपन बात कर रहे थे ये सारी चीजें आपकी बेसिक थी, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टूडेंट 10th से 11th में आता है तो वहां पर बेसिक चीजों से अगर अपन उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए सारी फर्स्ट लेसन की बेसिक चीजें अब तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो आपका सेकेंड लेसन स्टार्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर आप 9th और 10th दोनों में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आया हो तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ थोड़ा डिटेल से अपन उसको डिस्कस करेंगे, एक एक बारीकी से डिस्कस करेंगे,
आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।